नमस्कार, सरस्वती भंडार में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे जो 10वीं क्लास की दूसरी प्रश्नावली में जो 2.4 है उसके बारे में बात करते हैं। तो सबसे पहले बात आती है कि कोई भी संख्या प्रिमेय में है या अप्रिमेय। पहले हम उसके बारे में बात करते हैं कि प्रिमेय और अप्रिमेय के बारे में जांच किस प्रकार की जाए। तो जो सबसे पहले बात आती है कि प्रिमेय संख्या कौन सी होती है और अप्रिमेय संख्या कौन सी होती है। अप्रिमेय संख्या कौन सी होती है, तो हमने इसके बारे में बात करते हैं कि जो P बटा Q रूप की संख्या होती है, जहाँ Q का मान नॉट इक्वल टू जीरो, उन संख्याओं को हम क्या कहते हैं, प्रिमेय संख्या कहते हैं। जैसे 5/3, ये बटे वाली संख्या जीरो नहीं होनी चाहिए। जैसे 8/4, ये बटे वाली संख्या क्या है, जीरो नहीं होनी चाहिए। तो इस टाइप की ये जो संख्या, ये संख्या क्या कहलाती है, प्रिमेय संख्या कहलाती है। और जबकि अप्रिमेय संख्या कौन सी होती है, वे संख्याएं जो प्रिमेय नहीं होती है वो अप्रिमेय संख्याएं कहलाती है। अप्रिमेय संख्याएं कहलाती है। तो अब बात यह आती है कि किसी भी संख्या को देखकर हम कैसे पता लगाएं कि ये संख्या प्रिमेय है या अप्रिमेय। तो उसके लिए हमें क्या करना होता है, तो उसके लिए हमें दो बात ध्यान रखनी है कि हम जब किसी भी संख्या का दशमलव प्रसार करते हैं तो वो दशमलव प्रसार किस प्रकार का है। तो बात आती है दशमलव प्रसार। अच्छा, सबसे पहले हम बात करते हैं कि दशमलव प्रसार होता क्या है। तो हम जैसे मान लो 10/3 है, तो 10 में 3 का भाग देते हैं तो देखो कितना आएगा, 3 × 3 = 9, फिर एक बचा पॉइंट लगा, 3 × 3 = 9, फिर पॉइंट शून्य आ जाएगा, फिर 3 × 3 = 9, फिर एक आएगा, फिर शून्य हो जाएगा, 3 × 3 = 9, इस तरीके से चलता रहेगा, 3.3333333। तो ये जो रूप है ना, इसको हम बोलते हैं दशमलव प्रसार। तो ये दशमलव प्रसार किस रूप का है, तो इसमें तीन प्रकार का ये दशमलव होता है। एक तो होता है शांत प्रवृत्ति का दशमलव प्रसार। दूसरी कंडीशन होती है अशांत होता, तो अशांत है लेकिन ये आवर्ती प्रकार का दशमलव प्रसार होता है। और तीसरा प्रसार है, अशांत भी होता है और अनावर्ती प्रकार का भी होता है। तब इसकी हम ये बात करते हैं कि शांत का मतलब क्या है। ऐसी प्रिमेय संख्या जिसका दशमलव प्रसार निकालें और वो यदि रुक जाए का मतलब क्या होता है कि जैसे मान लो कि 10 में 5 का भाग दिया तो कितना गया, 2, तो देखो इसका प्रसार रुक गया ना। जैसे मान लो कोई भी और संख्या हो जाए जिसमें दशमलव आए और लेकिन भाग क्या हो, आगे रुक जाए, तो उस प्रकार का जो प्रसार होता है ना वो क्या कहलाता है, शांत प्रवृत्ति का कहलाता है। जैसे हम एक बात कह सकते हैं कि जैसे हमने कह दिया कि कोई संख्या है उसको भाग दिया तो आया 3.54, तो ये दशमलव प्रसार है। दशमलव के बाद में जो प्रसार आया ये शांत हो गया, मतलब रुक गया है। अब बात आती है अशांत आवृत्ति। अशांत का मतलब होता है कि दशमलव के बाद में संख्या रुके ना। जैसे अभी अपनों ने यहाँ भाग किया था, 3.3333 आया जा रहा है, तो 3.333 ये चले ही जा रहा है, तो ये इसमें इसको बोलते हैं अशांत दशमलव प्रसार, क्योंकि रुकेगा नहीं, चलता जाएगा कंटिन्यूसली। आवर्ती का मतलब ये होता है कि यदि दशमलव के पश्चात कोई भी अंक है, यदि उसकी बार बार आवर्ती हो रही है, चाहे एक अंक की हो, चाहे दो अंक की हो, चाहे तीन अंक की हो, तो उस कंडीशन में हम उसको बोलते हैं अशांत आवर्ती। अब जैसे मान लो कोई संख्या है, यदि वो 3.3333 ऐसे है, तो हम उसको इस प्रकार लिख सकते हैं, 3.33 अंक की पुनरावृत्ति हो रही है, तो हम 3 के ऊपर बार लगा के उसको प्रदर्शित कर सकते हैं, 3.3। एक हम और बताएं आपको, जैसे मान लो कोई संख्या है 5.3454545, तो उस संख्या को हम लिख सकते हैं 5
3, 4, 5 के ऊपर बार, क्योंकि 4, 5, 4, 5, 4, 5 उनकी क्या हो रही है, पुनरावृत्ति हो रही है। तो इस प्रकार ये जो है इसको हम बोलेंगे कि इसका जो दशमलव प्रसार है ये अशांत है, लेकिन ये आवृत्ति है, मतलब बार बार अंक का रिपीटेशन हो रहा है। लेकिन अशांत अनावृत्ति में क्या होता है कि दशमलव प्रसार अशांत भी होता है, कोई आवृत्ति भी नहीं बनती। जैसे मैंने एक यहाँ पे उदाहरण लिख रखा है, देखो ये, अब इसमें देखो दशमलव के बाद में किसी भी अंक का क्या है, प्रसार या आवृत्ति नहीं हो रही है। जैसे मान लो मैं एक उदाहरण लिखता हूँ, 1, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, ……। तो इसमें किसी अंक की पुनरावृत्ति हो रही है क्या? इसमें किसी भी अंक की पुनरावृत्ति नहीं हो रही है। तो यदि किसी में अंक की पुनरावृत्ति ना हो तो उसको बोलते हैं अशांत अनावृत्ति। अब बात यह आती है कि यदि इन दोनों में से कोई सा भी रूप आए तो वो संख्या कहलाती है परिमेय संख्या। वो संख्या क्या कहलाएगी? परिमेय संख्या। और यदि अशांत अनावर्ती रूप की यदि कोई संख्या आए तो वो संख्या क्या कहलाएगी? अपरिमेय संख्या कहलाएगी। तो बच्चों ये बात आपको ध्यान रखनी है। जैसे मान लो कि वर्गमूल 3 अपरिमेय है, वर्गमूल 2 अपरिमेय, वर्गमूल 5 अपरिमेय है, लेकिन वर्गमूल 16 अपरिमेय नहीं है, क्योंकि वर्गमूल 16 का जब वर्गमूल निकालेंगे तो कितना प्राप्त हो जाएगा? 4 हो जाएगा। तो ये संख्या क्या कहलाएगी? परिमेय संख्या कहलाएगी। ये वर्गमूल 16, ये संख्या कौन सी होगी? वर्गमूल 16 परिमेय संख्या होगी। जैसे मान लो आपके पास आ जाए 16 की घात 1/4, मान लो आ जाए आपके पास 1/4। तो देखो 16 को हम लिख सकते, अभी ये कोई कह दे कि ये संख्या बताओ परिमेय है कि अपरिमेय है। जैसे मान लो आपके पास संख्या आ गई 16 की घात 1/4, अब हमें ये जांच करनी है कि ये परिमेय कि अपरिमेय है। तो 16 को हम लिख सकते हैं 2 की घात 4, घात को घात से क्या होती है, गुणा होती है, तो 4 × 1/4, 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा, 2 की घात 1, कितना प्राप्त हुआ? 2। तो ये वाली संख्या को सरल करने पर पूरी एक प्राकृत संख्या प्राप्त हुई है। तो यदि सरल करने पर ऐसे हमें प्राकृत संख्या मिल जाए तो जो संख्या है ना वो फिर अपरिमेय नहीं होती, वो संख्या कौन सी होती है? परिमेय संख्या होती है। तो ये हमारा मेन कंसेप्ट था कि परिमेय संख्या कौन सी होती है, बट्टा वाली जो संख्या होती है उनको परिमेय संख्या भी कहते हैं। अच्छा एक बात और होती है कि परिमेय संख्या, और एक बात आती है भिन्न संख्या जिसको हम बट्टा वाली संख्या भी बोलते हैं, बट्टा संख्या। इनमें क्या अंतर है? अब जैसे कोई कह दे कि सर 3/5 परिमेय संख्या है और 3/5 की भिन्न संख्या है, तो इन दोनों में क्या अंतर है? क्योंकि भिन्न बट्टा संख्या ये भी एक नाम ही तो है और ये जो परिमेय संख्या ये भी एक नाम है, लेकिन इनमें अंतर क्या है? तो दोनों में एक विशेष अंतर है। अंतर ये है कि जो भिन्न संख्या होती है उसमें जो अंश और हर की संख्या होती है, इसको हम अंश बोलते हैं और इसमें हर बोलते हैं, अंश और हर की संख्या हमेशा प्राकृत लेनी होती है। प्राकृत संख्या 1, 2, 3, 4, 5, अंश भी प्राकृत और हर भी प्राकृत हो तो उस संख्या को हम क्या कहते हैं? भिन्न संख्या या बट्टा वाली संख्या बोलते हैं। लेकिन परिमेय संख्या के अंश किसको बोलते हैं? यदि 3 और 5 दोनों को हम पूर्णांक इंटीजर में से लें तो वो संख्या क्या कहलाएगी? परिमेय संख्या कहलाएगी। जैसे -3/5 है, अब ये संख्या क्या है? परिमेय है, लेकिन -3/5 भिन्न संख्या नहीं है। -3/-5 ये भी एक परिमेय संख्या है, 3/-5 ये भी एक परिमेय संख्या है। और यदि आपके पास ऐसे आ जाए 3/5 तो ये जो संख्या है इसको हम परिमेय भी बोल सकते हैं और इस संख्या को हमें भिन्न संख्या भी बोल सकते हैं। तो इस बात का आपको विशेष रूप से ध्यान रखना है। तो इस कंसेप्ट क्लियर होने के बाद में अब हमारी बात आती है कि जो हमारी 2.4 है उसमें एक हमारे पास एक थ्योरम है, परिमेय है। वो परिमेय ये कहती है कि P/Q रूप की जो संख्या है वो संख्या परिमेय संख्या होगी। P/Q रूप की संख्या परिमेय संख्या होती है।
कब होती है? यदि जो q है, जो हर वाली संख्या q, उसको 2 की घात m और 5 की घात n के रूप में लिखा जा सके, के रूप में लिखा जा सके, जहां m और n जो है वो ऋणोत्तर पूर्णांक है। क्या है? ऋणोत्तर पूर्णांक है। ऋणोत्तर पूर्णांक का मतलब होता है नॉन नेगेटिव, नेगेटिव नहीं होने चाहिए, पॉजिटिव ही होने चाहिए। तो नॉन नेगेटिव इंटीजर संख्या होनी चाहिए। तो यदि पूर्णांक है तो उस कंडीशन में हम कहेंगे कि ये वाली जो है ये एक परिमेय संख्या है। तो देखो परिमेय क्या कहती है, दोबारा एक बार और सुनो कि p बटा q रूप की जो संख्या है वो परिमेय संख्या कब कहलाती है? वो जब कहलाती है यदि उसके हर में जो संख्या है, उस हर में जो संख्या है उसके जब हम अभाज्य गुणनखंड करते हैं तो उनमें केवल 2 और 5 ही आई, केवल 2 की घात m और 5 की घात n, मतलब 2 और 5 के गुणनखंड हो केवल। तो उस रूप यदि हम उसको इस रूप में लिख सकें, और m और n की वैल्यू याद रखना कि हमेशा पॉजिटिव पूर्णांक होनी चाहिए। ऋणोत्तर का मतलब क्या होता है? नॉन नेगेटिव का मतलब पॉजिटिव होनी चाहिए, ठीक है। तो वो संख्या क्या कहलाएगी? प्रिमेय कहलाएगी। और यदि इस रूप हर इस रूप का ना बने तो वो संख्या कौन सी कहलाएगी? वो संख्या अप्रिमेय संख्या कहलाएगी। तो अब हम इस थ्योरम के बेस पर हम जो पहला क्वेश्चन है वो लेके चलते हैं। क्वेश्चन बहुत सरल है बच्चों, आराम से आपको समझ में आ जाएंगे। जैसे पहला क्वेश्चन है, कोई संख्या है x, तो मैंने उसको x के बराबर मान ली 15/1600। अब इसमें हर संख्या कितनी है? तो इसको बराबर में मान लिया p बटा q, तो q की वैल्यू कितनी है? 1600। तो ये जो बटा में जो संख्या है ना, उसके अभाज्य गुणनखंड करने हैं। तो हम लिखेंगे q के अभाज्य गुणनखंड, अभाज्य गुणनखंड करने पर। तो इसके अभाज्य गुणनखंड कर दो तो क्या आएगा? तो 16 के अभाज्य गुणनखंड इस प्रकार होते हैं। सबसे पहले हमें 2 का भाग लगाना होता है, तो 2 का भाग कितनी बार जाएगा? 800। फिर 2 का भाग लगाएंगे 400। फिर 2 का भाग लगाएंगे 200। फिर 2 का भाग 200 में 100 बार। फिर 2 का भाग 50 बार। फिर 2 का भाग 25 बार। फिर 25 में न तो 2 का भाग जाता है न 3 का भाग जाता है, केवल 5 का भाग जाएगा। तो 25 में 5 का भाग 5 बार, और 5 में 5 का भाग कितनी बार जाता है? 1 बार। इसका मतलब है कि हम 1600 को इस रूप में लिख सकते हैं, 2 की घात, देखो 1, 2, 3, 4, 5, 6 बार आया तो इसको हम लिख सकते हैं 2 की घात 6, और 5 आया 2 बार तो हम इसको क्या लिख सकते हैं? 2 की घात 6 गुणा 5 की घात 2। तो हम लिखेंगे कि संख्या का हर 2 की घात m गुणा 5 की घात n रूप का है, ठीक है। किस रूप का है? इस रूप का है, जहां m बराबर में 6 और n बराबर में 2 है, जो कि ऋणोत्तर मतलब नॉन नेगेटिव पूर्णांक है, जो कि क्या है? ऋणोत्तर पूर्णांक है। अतः मैंने आपको बताया था परिमेय को, परिमेय में मैंने क्या क्या था आपको, मैंने ये कहा था कि यदि हर के अंदर केवल 2 और 5 आए, उनकी घात कुछ भी आए, मतलब नॉन नेगेटिव आनी चाहिए पूर्णांक, तो यदि 2 और 5 आए तो वो जो दी गई संख्या वो संख्या कौन सी कहलाती है? परिमेय संख्या कहलाती है। तो हम कहेंगे अतः जो 15/1600 है एक परिमेय संख्या है। ये जो क्वेश्चन है ये हमारा 2.4 का क्वेश्चन नंबर 1 का 1 पार्ट है। अब आती है बात क्वेश्चन नंबर 2 की। तो इसमें हम मानते हैं 13/31/25, तो q संख्या कितनी हो जाएगी? 31/25। तो अब इसके हम q के क्या करेंगे? अभाज्य गुणनखंड करेंगे। तो इसके अभाज्य गुणनखंड कर दो तो q बराबर में 31/25 के अभाज्य गुणनखंड करते हैं। तो देखो सबसे पहले 5 का भाग लगाते हैं इसके अंदर, तो देखो क्या प्राप्त हो जाएगा? 6 × 5 = 30, 5 × 2 = 10, 5 × 5 = 25। तो कितना आ जाएगा? 5 का भाग लगाएंगे तो कितना आएगा? 625 आ जाएगा।
ठीक है। फिर पाँच का भाग लगाएंगे तो कितना आएगा 125, फिर पाँच का भाग लगाएंगे तो कितना आएगा 25, फिर पाँच का भाग 25 में कितनी बार जाएगा पाँच बार, फिर पाँच में पाँच का भाग कितनी बार जाएगा एक बार। तो इसको हम किस प्रकार लिखेंगे, हम लिखेंगे 31 25 बराबर में पाँच की घात 1 2 3 4 5, पाँच की घात 5। क्या 2 की घात आई है? नहीं आई, बिल्कुल नहीं आई। तो इसको हम लिख देंगे 2 की घात 0, क्योंकि किसी भी संख्या की घात 0 का मान हमेशा कितना होता है, 1 होता है। तो हम इसको इस रूप में लिख सकते हैं। तो मैंने कहा था 9 ऋणोत्तर पूर्णांक होने चाहिए, मतलब नेगेटिव नहीं होना चाहिए, 0 है तो कोई दिक्कत नहीं है। तो देखो 2 भी आ रहा है 5 भी आ रहा है, तो ये इस रूप का हो गया जहाँ एम का मान है 0 और एन का मान कितना है 5। तो ये ऋणोत्तर पूर्णांक है। तो जो दी गई संख्या 13/31 25 है, ये एक क्या हो जाएगी, परिमेय संख्या हो जाएगी। प्रश्न नंबर 3 में देखो, जो दी गई संख्या उसका हर पहले से ही डिवाइड है, पहले से उसके अभाज्य गुणनखंड हुए हुए हैं, और उसमें 2 की घात 3 आ रहा है, 5 की घात 2 आ रहा है। तो देखने से हमें डायरेक्ट पता चल रहा है कि दी गई संख्या क्या है, एक परिमेय संख्या है। प्रश्न नंबर 4 की बात करते हैं, 17/6। तो 17/6 को इस तरीके से लिखेंगे, और जो हर है इसका 6, इस 6 के अभाज्य गुणनखंड करेंगे। तो 6 के अभाज्य गुणनखंड क्या हो जाएंगे, तो सबसे पहले 2 का भाग 6 में जाता है 3 बार, फिर 3 का भाग जाएगा 1 बार। इसका मतलब 6 को हम लिख सकते हैं 2 × 3। हमारी बात क्या थी कि हमारा जो ये अभाज्य गुणनखंड है, ये 2 की घात समथिंग और 5 की घात कुछ आना चाहिए। इसमें 2 आ रहा है, लेकिन 2 और 5 के अलावा देखो क्या चीज़ आ रही है, 3 आ रही है। अब ये 3 एक्स्ट्रा आ गया ना, तो हम कहेंगे कि संख्या का जो हर है वो इस रूप का